नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर की खबर। स्थान ले लें और साइड से हो जाए, मंच को साइड, मंच पर ज्यादा लोग न चढ़े। और इसमें इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं यहाँ पर अली भाई को माइक दूंगा। मैं आपको देखिए, आप लोग राहुल यादव, राहुल यादव समाजवादी पार्टी, जोर से बोलो नारे लगा दो। ये यादव जी का, एमएलसी यादव जी, जनता यादव जी का आदेश है जी कि इन लोगों का जो स्वागत मेरा करने आ रहे हैं, मैं इन लोगों का स्वागत करूंगा। सलमान भाई, मुश्ताक अली चौधरी और हारून अली चौधरी, रिजवान अली चौधरी, गुफरान चौधरी, रईसुद्दीन एडवोकेट, पप्पू भाई, जल्दी जल्दी आए और इनका स्वागत करें। साहिद भाई आ गया, साहिद भाई आ गया। मोहम्मद रफी, आरिफ रफी, शाहिद अली, शाहिद अली राजपूत। Thank you.
अब शुएब कुरैशी, गयूर कुरैशी, मन्नान मेवाती, एमएलसी जितना यादव जी उनका स्वागत करेंगे। फैसल मोहसिन कुरैशी, कदीम कुरैशी, बल्लू चौधरी, आसिम मेहता, अरमान कुरैशी, कदीम भाई, जिनके नाम है वो स्टेज पर आ जाए। भाई जिनका नाम लिया वो स्टेज पर आ जाए। अदीम भाई, इलियास, शाकिर, आसिफ कुरैशी, उफरान चौधरी, मुंशी मेहरबान अली, जिंदगी का नाम ले दिया, बोला जल्दी जल्दी स्टेज पर आ जाए। आज ये सब लोग भाजपा को त्याग कर सभा का दामन थामा है इन लोगों ने। अब आएंगे आपके जो यहाँ के, जिन्होंने यहाँ की अलट पलट की है सारी, चौधरी, सलमान, कुरैशी, जो जिनके उसमें यहाँ का प्रोग्राम रखा गया है। अब सलमान चौधरी सभी जिन लोगों का जो है पाला और सोन से सम्मानित हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा आगे आ जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। बाकी लोग स्टेज से हट जाए, तो इनका जो जो ज्वाइनिंग किया समाजवादी पार्टी, और इनके साथ एक ग्रुपिंग फोटो होना है। थे चौधरी सलमान, और मैं राहुल जी से कहूंगा चौधरी सलमान जी का, चौधरी सलमान कुरैशी का स्वागत करें। अब मैं कह रहा हूँ चौधरी सलमान जो यहाँ के मैम थे, राहुल जी इनका स्वागत करके समाजवादी पार्टी ने गिरा करा इनको। चौधरी सलमान जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हुआ है, अब काफी बीएसपी कार्यकर्ता इनके साथ बीएसपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग की है, काफी कार्यकर्ता है इनके साथ। मैं देख रहा हूँ जहां तक पंडाल में जो है इनके साथ कार्यकर्ता बहुत सारे लोग हैं, और जोरदार तालियां सलमान चौधरी के लिए। सारा युवा तबका इनके साथ है, और मैं देख रहा हूँ जितनी भीड़ सलमान चौधरी की वजह से यहाँ पर आई है, और बहुत से लोग हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और यार सही जगह पर आए हैं आज, कुछ लोग नहीं जा। चौधरी ने आज सभा में शामिल होकर सबकी शंकाएं दूर कर दी। आज सलमान चौधरी ने और अनिश भाई ने भी देखो आपके सामने समाजवादी पार्टी ग्रहण किया, बसपा छोड़कर किया, और जोरदार इनका स्वागत किया जाए। तो यहाँ चौधरी भी जो कहीं वो फौरन स्टेज पर आ जाए। सुरेशी मोहम्मद रफी भी स्टेज पर आ जाए, उनको भी वो किया जाएगा। समाजवादी पार्टी सदस्य ग्रहण की जा रही है, इन लोगों को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लगता है। यहाँ पर 200-400 लोग, इसी वजह से समाजवादी पार्टी आप ग्रहण किया आज वाला है। आइए भाई साहब, जो पत्रकार लोग आए गए यहाँ पर, उनको थोड़ा परेशानी हो रही है भाई, थोड़ा साइड हो जाए, थोड़ा साइड हो जाए भाई, पत्रकार लोगों को रास्ता दे, पत्रकार लोग यहाँ खड़े परेशान खड़े यार, हम जानते आरिफ सैफी, रिजवान, शुएब, मन्नान और फैसल, मोहसिन, कदीम भाई, बल्लू भाई, आकिब मेहता, उस्मान कुरैशी जी, कदीम भाई जी, सुमान, साकिर, इलियास भाई, सोनू, रिहान चौधरी, अरमान कुरैशी, अरमान सैफी, साकिर।
की मुसहब ये सब लोग जो है सब स्टेज के बाद में आया एक ग्रुप फोटो हो जाएगी उसके बाद में हमारे जो जिन्होंने पूरी मेहनत की समाजवादी पार्टी को मुझे ज्वाइन करने के लिए जीतू भाई से मैं निवेदन करूंगा जीतू भाई और हमारे दानिश भाई जकी भाई स्टेज पर आए इनका स्वागत करें। मैं सभी लोगों से एक बार कह रहा हूँ कुछ लोग नीचे हो जाएं नीचे खड़े हो जाएं और कुछ ऊपर हो जाएं वो बात नहीं है कुछ साइड हो जाए बच्चे लोग साइड हो बच्चे लोग साइड हो जाओ भाई बच्चे लोग साइड खुशी के साथ में ये प्रवास आप होगा मैं आगे उतर आज मेरे साथ में सैकड़ों की संख्या में युवा साथी और मेरे मोहल्ले के विभिन्न सम्मानित साथियों का मैं जो है उनके साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और समाजवादी पार्टी की पूरी लहर है इसी वजह को मैंने एक तरीके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुजन समाज पार्टी में वहां काम किया लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का यहां से रास्ता बिल्कुल बंद होने जा रहा है यहां से बीजेपी की कोई वोट नहीं मिलने वाली है। मैंने माननीय जितेंद्र यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का फैसला आप लोग करेंगे आप लोग तय करेंगे कि आपका क्षेत्र का विधायक कैसा हो आप लोग तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार हो अपनी बात आप लोगों से कहूं उससे पहले मैं सलमान भाई का स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताता हूं सलमान भाई आपको आपके साथी को आपके परिवार को समाजवादी पार्टी में इतना प्यार मिलेगा कि आपको लगेगा कि इससे हम लोग अपने घर में रहने का काम कर रहे हैं। नौजवान साथियों ये चुनाव विपरीत परिस्थिति में हो रहा है आज देश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है आज प्रदेश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है भय का माहौल बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सुबह जाएगा काम पे लौटेगा नहीं लौटेगा ये भारतीय जनता पार्टी ने इस आजाद देश के अंदर भय का वातावरण बना दिया है हर आदमी डरा हुआ है आज उत्तर प्रदेश की जमीन पर जिस तरीके से ठोको नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है ये बात तय हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज हर मुद्दे पे फेल हुई है। मैं कहना चाहता हूँ खासकर नौजवान साथियों से कि नौजवान साथियों जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तब से गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने का काम करा है हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लड़ाने की बात करके हमारा बंटवारा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है और ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में आ गई तो यकीन करके मानना जो अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है नागरिक का अधिकार दिया है उस अधिकार को भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ आज उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है नहीं ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा कि आने वाले 2024 में इस देश में किसका शासन होगा। आप जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जहर फैलाने का काम कर रही है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कमजोर करने का काम हो रहा है। आज 85% गोबर जो गांव का बेटा है मजदूर का बेटा है आज सारे के सारे उनके कामों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है इसलिए आपसे कहूंगा साथियों आज होगा उत्तर प्रदेश में क्या
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी 85% वो वर्ग जो गांव से निकल के आया है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के संस्थापक गोलवरकर जी ने साफ लिखा है अपनी किताब में कि 95% बनाम 5%, यानी देश की 95% जनता गरीब होनी चाहिए। वो खाने के लिए नाज मांगे, उसे नाज मिल जाए तो वो समझे कि विकास हो गया। आज यही हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपकी बेशकीमती वोट, वो बेशकीमती वोट जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य तय करेंगे, वो बेशकीमती वोट जिसे शहीदों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके आप अदा कर दी है, उस वोट को खरीदने के लिए ये लोग आपको 3 महीने का अनाज देने का नाटक कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 महीने इनको मुफ्त अनाज देने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब कोविड के समय में हम महामारी के अंदर यहाँ पर लोग तरफ तरफ के मर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी आपके बीच में नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई अव्यवस्था यहाँ अस्पतालों की नहीं करी, लोग गरीब लोग गए अस्पताल से जाकर के उनकी मौत हो गई, और मौत के बाद में एक भी कैसा सांस नहीं कर पाए कि उसकी अंत्येष्टि को भी कर सके। मैं कहूंगा आप लोगों से, आज हो क्या रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वो हिंदुस्तान जो गुलदस्ता जिसमें सारे जाति समाज के लोग रहते हैं, जिसकी पहचान हिंदुस्तान की होती है, उस गुलदस्ते को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं कहूंगा आप लोगों से, नौजवान साथियों, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश और विधानसभा का जो चुनाव है, ये अखिलेश यादव का चुनाव है, ये जयंत चौधरी का चुनाव है, और ये बात तय हो चुकी है उत्तर प्रदेश की जमीन पर कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। नौजवान साथियों, याद रखना, जब जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, जयंत चौधरी की ताकत पड़ेगी, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र करके अपना बंटवारा करना चाहेंगे। यही षड्यंत्र रचा जा रहा है आज भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जब दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो चुन चुन के मुलायम सिंह यादव की वो ताकत, अखिलेश यादव की वो ताकत, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन लोगों की वोट को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करने का काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आएंगे आप लोगों के बीच में कुछ लोग आएंगे भाई के नाम पे वोट मांगने की बात करेंगे, कहेंगे अल्लाह के नाम पे भाई को वोट देने का काम करो। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर भाई की परिभाषा क्या है? भाई तो वो है जो दुख और सुख में आपके साथ खड़ा हो जाए। आपका भाई कोई है तो मुलायम सिंह यादव है, आपका भाई है तो अखिलेश यादव है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत अगर कोई उम्मीदवार, सबसे बड़ी मजबूत ताकत के उभर करके कोई आ रहा है, तो उसका नाम अखिलेश यादव है। आज वो अखिलेश यादव को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, ये ब्लाउटी की जमीन में जानता हूँ, इस जमीन में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हार करके आई है, लेकिन एक बार मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मेंबर साहब यहाँ पर है, सलमान नौजवान यहाँ पर है, और पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि ब्लाउटी की जमीन पर 80% वोट अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को पड़ने का काम होगा। हो क्या गया अभी प्रदेश के अंदर, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। 350 रुपए का सिलेंडर था तो कहते थे कि जाकर के सिलेंडर को नमस्ते करके वोट गिरना, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। 50 रुपए 56 रुपए लीटर तेल बिकता था और आज 100 रुपए से ऊपर तेल पहुंच गया, कोई पूछने वाला नहीं है। सरसों का तेल 250 रुपए किलो या लीटर हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई गरीब अपनी बेटी की शादी करनी चाहे तो 50,000 रुपए तोला सोना हो गया, कोई गरीब अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने करी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने ऐलान करा है, अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी उस दिन 300 यूनिट बिजली के सबके सब फ्री रहेंगे, किसी को एक पैसा देने का।
अखिलेश यादव जी ने ऐलान करा है कि किसानों की सिंचाई ट्यूबवेल से नहर से हो, उसमें एक पैसा भी सिंचाई का नहीं लिया जाएगा, सारी की सारी सिंचाई मुक्त करने का काम होगा। और अखिलेश यादव जी ने ऐलान करा है कि ये जो नाटक कर रहे हैं 3 महीने का अनाज, अखिलेश यादव जी ने ऐलान करा है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी 5 साल तक सारे के सारे गरीबों को राशन मुफ्त देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। कहना चाहता हूँ आप लोगों से, एक ऐलान ऐसा किया है अखिलेश यादव जी ने कि जब लगता है कि वो मानवता को पहचानने का काम करते हैं। नौजवान साथियों बुजुर्गों, अपने विश्वास से देखना कि वो बुजुर्ग मेरे घर के, वो मेरी बुजुर्ग माता है जो 60 साल से ऊपर हो गई हैं, उन्हें पहले 500 रुपए पेंशन देते थे। अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि आने वाली सरकार में जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी 500 नहीं 1500 रुपए बुजुर्गों को और माताओं को पेंशन देने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, याद रखना वो नौजवान साथियों, जिस कौम को बर्बाद करना हो उसको तालीम से वंचित करने का काम करो, जिस कौम का वजूद खत्म करना हो उसे शिक्षा से दूर रखने का काम करो। मैं कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों, याद रखना। आखिर पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय आजम खान साहब का कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ किस मुकदमे में आजम खान साहब को जेल भेजने का काम करा है आपने? आजम खान साहब ने तो अपने उस कौम को जो मजहबी तालीम के साथ साथ में आधुनिक शिक्षा देने की बात आंदोलन करके उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का काम करा था, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी मेरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी मजहबी तालीम के साथ साथ में सांसारिक तालीम भी लेने का काम करेंगे, दिन पे दिन उनकी तरक्की होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा मिल पाए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा लेकर के जाकर के देश के साथ आगे बढ़ने का काम करे, इसलिए उसके फर्जी मुकदमे कायम करने का काम कर दिया। बुजुर्गों मैं पूछना चाहता हूँ, एक अच्छी संस्था बनाने का सजा इतनी कि जो यूनिवर्सिटी आजम खान साहब ने बनाए उस पर फर्जी मुकदमे लगा करके आजम खान साहब को जेल में भेजने का काम करा। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, इस लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और फैसले तलवार से नहीं होते हैं, और फैसला होता है शहीदों में जो सर्वस्व कुर्बान करके आपको वोट की ताकत दी है, और फैसला वोट से होगा। इसलिए आपसे कहूंगा कि आने वाले 10 तारीख को एक एक नौजवान निकल करके जाना, एक एक बुजुर्ग निकल करके जाना, अपने परिवार को साथ लेकर के जाना, करके अपने मजबूत हाथों से, अपने मजबूत उंगलियों से साइकिल का बटन दबा देना। मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी उसी दिन आजम खान साहब के मुकदमे वापस हो जाएंगे और आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। इसलिए आपसे कहूंगा, मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वास्तव में हम लोगों के ऊपर भय का माहौल है, वास्तव में उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लगी है। अगर आपने 2 शब्द बोले तो थाने वाले हमें बंद करने का काम कर देंगे, अगर आपने कोई अपने हक की आवाज की बात करी तो हम फर्जी मुकदमे हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार नौजवान साथियों, एक बार आप अपने आप के बीच में जो उम्मीदवार है ये राहुल यादव है, ये बेटा है मेरा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इसको यहाँ से जिता करके भेजा तो मैं इसलिए कहना रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि अल्लाह का दिया हुआ हम सब कुछ हम लोगों के पास में है, हम थाने की दलाली करने वाले लोग आपके बीच में नहीं है, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम नौजवानों के साथ चलने वाले लोग हैं। आपने अपनी बोर्ड से यहाँ से राहुल यादव को जिता करके भेजा तो विश्वास से कहना थाने में बैठे हुए दरोगा की हिम्मत नहीं है किसी बुजुर्ग नौजवान की तरफ उंगली उठाने का काम करते। खुदा के वास्ते अपना बंटवारा मत करना, खुदा के वास्ते अपना बंटवारा मत कर देना, एक एक वोट जा करके साइकिल का बटन दबाना, आपके दुख में आपके सुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। अंत में केवल एक शेर के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हम बन जा रहे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम बन जा रहे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, आज इतना है तो जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। जोर से हाथ उठाकर बोलो अखिलेश यादव, अखिलेश यादव।
88 और 89 88 और मैं 100% का दावा नहीं करूंगा कि खुदाई का दावा हो जाएगा, उन बूथों लिख ले यादव जी, अगर 90% से 79% भी वोट आ जाए तो मुझे आप पकड़ लेना, इंशाल्लाह मैं राहुल जी को कहता हूँ। राहुल जी आपके सामने प्रत्याशी हैं और ये अपने चार रखेंगे आपके सामने। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं सलमान भाई का स्वागत समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूँ। आज इनके आने से हमारी ताकत दुगनी नहीं तिगनी हो गई है और मैं सलमान भाई को ये बताना चाहूँगा कि आपका सम्मान समाजवादी पार्टी में उसी तरह रहेगा जिसका आप हकदार है, जबकि जाकि जिस पार्टी में आप पहले थे उससे ज़्यादा आपका सम्मान यहाँ पर मिलेगा। मेरा सही में ये मन है कि गुलावटी ब्लॉक में गुलावटी के पास कहीं है एक स्टेडियम बनाने का जहाँ पे सारे हमारे भाई क्रिकेट खेल सके, फुटबॉल खेल सके, वॉलीबॉल खेल सके, जिसको कुश्ती का शौक है वो कुश्ती लड़ सके, जिसको बॉक्सिंग का शौक है बॉक्सिंग लड़ सके, गुलावटी के बच्चे गुलावटी के बच्चे सिर्फ क्षेत्र में नहीं उत्तर प्रदेश में देश में नाम करेंगे इंशाल्लाह। अगले साल अगले ओलंपिक में गुलावटी का कोई ना कोई बच्चा गोल्ड मेडल लेके आएगा। अपने अपने घरों से एक एक वोट निकालकर साइकिल पर मोहर दिखाकर इतनी जोर से मोहर लगाना कि भाजपा को जाकर वादा है। सभा के अध्यक्ष महोदय और हमारे बीच में हमारे MLC और हमारे नौजवान साथी यहाँ के उम्मीदवार राहुल यादव जी और नगर के सभी नौजवान साथियों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इसी के साथ एक अपील करता हूं कि आप तीन बातों पर गौर करना कि 5 साल के अंदर जो हमारा हाल इस सरकार में हुआ है उस पर गौर करना और जो हालात मुल्क के उस पर गौर करना और यही बात का ध्यान में रखकर साइकिल का इतना बटन दबा देना जोश है। आ जाओ मैं आ जाओ आराम से बेटा, आराम से।